बड़ी खबर, सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। दरअसल खबर है कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है और सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दी गई। बीते कुछ समय से मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा कर रखा है और कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सलमान खान को इस बार धमकी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी गई है। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा का रिव्यू भी किया है। रविवार के दिन एक सोशल मीडिया अकाउंट जिस पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा है और उस अकाउंट से सलमान खान को धमकी मिली। धमकी देने वाले के प्रोफाइल पर बिश्नोई की तस्वीर भी लगी है। सलमान को दी गई इस धमकी में हाल ही में गिप्पी ग्रेवाल पर हुए हमले और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्यारा का भी जिक्र किया गया है। फेसबुक पर दी गई धमकी में गिप्पी ग्रेवाल को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि तुम सलमान खान को भाई मानते हो, लेकिन अब समय आ गया कि तुम्हारा भाई आए और तुम्हें बचाने। यह मैसेज सलमान खान के लिए भी है और इस भ्रांति में मत रहना कि दाऊद तुम्हें बचाएगा। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तुमने सिद्धू मूसेवाला की मौत पर कैसे प्रतिक्रिया दिया वो हमने देखा है और हम सभी जानते हैं कि वो कैसा आदमी था और उसकी उसके क्रिमिनल के साथ कैसे संबंध थे। अब तू हमारे रडार पर है और इसे एक ट्रेलर मानो। पूरी फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। जिस भी देश तू जाना चाहते है वहां जा सकता है, पर ध्यान रख मौत की वीजा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पोस्ट करके सलमान खान को धमकी दी गई है। सलमान को दी गई धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा का जायजा दोबारा से लिया है। पुलिस ने सलमान को भी अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी लिखा है कि यह पोस्ट कहां से जनरेट हुआ है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सोशल मीडिया अकाउंट बिश्नोई का है। क्या अगर उसका है तो उसे कौन हैंडल कर रहा है, क्योंकि बिश्नोई जेल में है।